Hi, I'm Dr. P.K. Talwar. I'm board certified cosmetic surgeon practicing in New Delhi for last 30 years. Previously, I was attached to Apollo and Max hospitals, and now I'm running my own cosmetic laser surgery center at Greater Kailash Part 1, New Delhi. हमारे एक दर्शक ने हमसे प्रश्न पूछा है कि नीवस ऑफ ओटा ट्रीटमेंट में क्या हमें कुछ आहार व्यवहार में या डाइटिक कुछ प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी। तो देखिए, ऐसा है कि नीवस ऑफ ओटा जो है ये एक बर्थ मार्क है, स्किन का बर्थ मार्क है, और इसका जो ट्रीटमेंट है वो हम लेज़र के द्वारा करते हैं। आप यूजली 10 सिटिंग लगती हैं और जितना इम्प्रूवमेंट हो जाए वो स्थिर रहता है। अगर आप बीच में डिसकंटिन्यू भी कर देंगे तो वो ट्रीटमेंट जो है वो जितना आप हमको इम्प्रूवमेंट मिल गया वो रहेगा, स्थायी रहता है। नो, इसका डाइट से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि डाइटिक प्रिकॉशन जो है ये हमें हमारी बाकी हेल्थ पे असर करती है, वजन बढ़ाना, ये करना, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, लेकिन इस चीज़ में जहाँ स्किन में जहाँ बर्थ मार्क है वहाँ पर डाइट का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, कुछ प्रिकॉशन आपको लेनी पड़ती है जो हम बताते हैं कि भाई कुछ अगर कभी सूजन आ रही है तो कुछ क्रीम लगा ली, धूप से आपको बचना बहुत ज़रूरी होता है, तो ये सब प्रिकॉशन आपको लेनी पड़ेगी जो लोकल हैं, लेकिन आहार व्यवहार या खाने पीने से इसका कोई रिलेशन नहीं है और इसकी आपको चिंता करने की भी ज़रूरत नहीं है। महीने में बस आप एक बार आते हैं, 15 मिनट की सीटिंग है, वो करा के आप चले आते हैं और जो रिज़ल्ट है वो स्थायी रहता है। तो आप जहाँ तक खाने पीने का सवाल है, आप निश्चिंत रहें, हम आपको किसी भी तरह से भूखा नहीं रखेंगे और आई एम श्योर कि अगर आप ये इलाज कराते हैं तो आपको रियली फ़ायदा होगा, क्योंकि नीवस ऑफ ओटा में रिज़ल्ट बहुत ही अच्छे हैं। इसके अलावा अगर नीवस ऑफ ओटा के बारे में आप और कोई की जानकारी चाहते हैं तो आपका स्वागत है, आप हमारी टीम से संपर्क करें। हमेशा की तरह हमें बड़ी खुशी होगी आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच सर।